नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुप्ता हाजिर हूँ क्राइम टाइम में। क्राइम टाइम आपके लिए लाया है मुंबई गैंग रेप की कहानी। जहां धीरे धीरे अपने देश से लॉकडाउन खोलने लगा, वहीं अपराध अब पैर पसारना शुरू कर चुका है। ये गैंग रेप एक नाबालिग लड़की के साथ होता है। एक ही रात में उस नाबालिग के साथ 3 बार अलग अलग जगहों पर रेप होता है, और ये रेप करने वाला कोई और नहीं, उसी के दोस्त होते हैं। इन नाबालिग के साथ हैवानियत उसके दोस्तों द्वारा की गई है। जब वो घर पहुंचती है, माँ बाप पूछते हैं तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन माँ बाप ने जो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जब पुलिस पूछती है तो हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है, जिसे सुनकर उस नाबालिग के माता पिता भी दंग रह जाते हैं कि उसकी बेटी ने एक रात में ये सब कैसे देख लिया, कैसे सहन कर लिया। आइए आपको बताते हैं, सुनाते हैं क्राइम टाइम में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली उस नाबालिग के गैंग रेप की कहानी। आइए नज़र डालते हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हंगामा टाइम को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए नज़र डालते हैं खबर पर। नाबालिग से हैवानियत, एक रात में 3 अलग अलग जगहों पर गैंग रेप, दोस्तों ने लूटी इज्जत। आपको बता दें मामला मुंबई का है, जहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, उस एक रात में 3 अलग अलग जगहों पर 7 लोगों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। आर्थिक राजधानी मुंबई से अपराध का एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे जान हर कोई खौफ में आ जाएगा। मुंबई में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, उस एक रात में 3 अलग अलग जगहों पर 7 लोगों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। मामला सामने आने पर पुलिस ने 7 आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया, हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। देश में महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान पर लगातार बल दिया जाता है, लेकिन मुंबई में एक ऐसा भयानक आपराधिक मामला सामने आया जिसने स्पष्ट कर दिया है कि देश में महिलाएँ, खासकर नाबालिग बच्चियाँ, सुरक्षित नहीं है। ताज़ा मामला मुंबई का है, जहां बीती 31 मई 1 जून की रात एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया गया। पीड़ित परिवार वालों ने मलाड वेस्ट में 16 साल की लड़की के लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पर और परिजन नाबालिग की तलाश में जुट गए कि अगले ही दिन लड़की घर लौट आई। परिजनों ने लड़की से लापता होने की बात पूछी, लेकिन डरी सहमी लड़की ने कुछ नहीं बताया। मामला पुलिस के पास पहुंच चुका था, इसलिए महिला पुलिसकर्मी ने लड़की के एक रात कहां होने के बारे में पूछना शुरू किया, तो इस पर पीड़ित लड़की ने महिला पुलिस को उसके साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम पर कुछ लड़कों से दोस्ती हुई थी, उन्हीं में से एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में वह गई थी। उसके सभी दोस्त मड इलाके में एक होटल के बाहर मिले, होटल के बाहर ही एक कार में केक काटा, और फिर इंस्टाग्राम पर मिले उसके दोस्तों ने कार में गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, आरोपी लड़के गैंग रेप के बाद पीड़िता को मलाड में रहने वाले दूसरे दोस्त के घर ले गए। उस दोस्त ने भी पीड़िता का रेप किया। इसके बाद लड़की को वहां से जाने को कहा गया। पीड़िता के मुताबिक गैंग रेप के बाद वह डर गई और घर आने के बजाय अपने एक दोस्त के घर चली गई, जहाँ उसके तीसरी बार रेप किया गया। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर 7 आरोपियों पर नामजद केस दर्ज किया है। उन पर दुष्कर्म, धमकी देने और जबरन वसूली समेत कई अन्य धाराओं में केस लिखा गया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर दबिश दी गई। पुलिस ने फिलहाल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।